चेरी से मेरा सवाल है, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन से, आपको ये फिल्म कैसे मिली, कब मिली और क्यों मिली? अरे क्यों मिली क्या होता है यार, बेचारी एक्ट्रेस है, ऐसा कैसा पूछ रहा है क्यों मिली? रीजन होता है ना। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट मीडिया अपीयरेंस। कैसे मिली? शॉर्ट में तो इतना ही कहूँगी कि 1.5 साल पहले मैंने मेरी पढ़ाई ख़त्म की। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद आई हैड द किक टू लर्न एक्टिंग, तो ऑडिशंस वगैरह दिए। उसके बाद यहाँ पर दो ऑडिशंस दिए, देयर वर 2-3 लुक टेस्ट। उसके बाद आई वाज फाइनलाइज्ड फॉर इट। हर्ष, आप बताइए, एक एक्टर बनने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जी जी जी, एक्टिंग आनी चाहिए यार। सर उनको बोलने दो ना, डरा रहे तू नए लोगों को। नहीं 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 सर, पूछें प्लीज। क्या किस चीज के लिए? एक एक्टर बनने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर बड़े एक्टर से ये पूछें तो बेहतर है, मेरी तो पहली फिल्म है। अब मुझे, मेरे अंदर शायद अगर कोई क्वालिटी है वो आप राज सर से पूछिए, विनोद सर से पूछिए, जो उनको दिखी होगी मेरे अंदर। ओके रोहित, जैसा कि आपने कहा कि कट टू कट बात करेंगे, मेरे से सवाल नहीं पूछना। आपसे हक बनता है आज के दिन तो। हाँ, मैं तो तुम लोग का शुरू हो जाए। चल, हमने सुना है कि राम लखन का रीमेक भी कर रहे हैं आप, बट हमारे स्टार कास्ट कौन? सूत्रों के अनुसार पता चला है। सूत्रों के अनुसार? अरे यार, 2 साल के बाद की फिल्म है, अभी मेरे को पता नहीं कौन होगा यार। अभी तो जो फिल्म बना रहा हूँ वो तो कम्प्लीट होने। आप कर रहे हैं ये, इज इट ट्रू ना? इतना खर्चा करूंगा मैं बॉम्बे टाइम्स में पेश डाल के, मैं नहीं कर रहा तो कमल है। स्टार कास्ट तो बता दीजिए। अच्छा तो ऐसी मस्त अप्रैल फुल, इतना खर्चा। ओके, हमारे पास कई सारे नाम आ रहे हैं कि कई सारे लगे रहो। कुछ तो बता दीजिए कि। अरे नहीं है बेटा, फाइनल अभी तो लिखूंगा तो फाइनल करूंगा ना। 2 साल के बाद की फिल्म है वो। रोहित, बट व्हाई राम लखन? व्हाई नॉट राम लखन, टेल मी। एंड वाज इट योर डिसीजन टू करंस डिसीजन? ओके, एंड व्हाट डिड सुभाष हैड टू से अबाउट इट? ही वाज वेरी इमोशनल, या ही वाज वेरी इमोशनल व्हेन ही मैसेज्ड। सो विल यू बी टेकिंग टिप्स फ्रॉम हिम, एनी इनपुट्स, एनी नोट्स दैट यू विल बी शेयरिंग विद सुभाष सर? अभी 2 साल है यार, रुक जाना, अभी तो जिगरिया 10 को आ रही है अक्टूबर। बट कुछ तो सोचा होगा आपने। तू जवाब दे यार, चुप कर यार। आज देम ना यार, हम लोग तो मिलते रहते हैं ना हर दूसरे महीने। रोहित, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर अक्सर आपकी फिल्में एक्शन होती है, अगर जिगरिया जैसी फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप बनाना चाहेंगे? लव स्टोरी? नहीं, बहुत जिगर चाहिए यार ये सब बनाने के लिए, मैं डर जाता हूँ। बहुत ऑनेस्टी के साथ इन लोगों ने काम किया है, अप्रिशिएट दैट, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मेरे बस की बात नहीं है सब। आप लोगों का सवाल दूसरा आएगा क्या, फिर ये 100 करोड़ करेगी क्या, फिर उसका क्या जवाब दूंगा, वही डर लगा रहता है आजकल। Many congratulations for Singham Returns as well. It's done extremely well. Thank you very much. Thank you. Will we see a third installment as well? We are here for Jigariya. Are we done, or you all want to ask something more to the new kids? Why did you go in with a new star cast this time? Raj, this is for you. मैं भी शाहरुख साहब के साथ करना चाहता हूँ अगली फिल्म। आप दिलवाइए, उनके साथ करूँगा। हाँ तो बोल रहा हूँ। बट नए लोगों के साथ करने का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है कि आपको शाहरुख साहब के लिए वेट करना पड़ता है, इनके लिए वेट नहीं करना पड़ता है, और जैसा आप फिल्म बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायरेक्टर। ये समझ में नहीं आया, राज ने पंगा ले लिया है, अब यही होगा हेडलाइन कि शाहरुख वेट कर रहा था इसलिए मैं फिल्म नहीं करूंगा। ये समझ नहीं रहा इसने क्या कर दिया। बेचारा नए लोग है, कहां फंस गए इसको नहीं मालूम। अरे भाई कुछ और ही जाएगा कल पेपर में। आई डोंट वांट टू वर्क विद शाहरुख बिकॉज़ वो वेट कर रहा था। ओके, स्टार कास्ट से सवाल, आई थिंक चेरी, पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको आपकी फिल्म के लिए। कई रोहित शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर आपके बाजू में खड़े, कई सारे डायरेक्टर इंडस्ट्री में, आपका फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहती हो, कोई तो ऐसा? वेल, बिसाइड्स सर रोहित शेट्टी, आई थिंक आई रियली लाइक राजू हिरानी, तो फिलहाल वही। एंड इफ आई गेट अ चांस विद राज सर अगेन। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया, मैं बाजू में खड़ा हूँ तो मैं, एंड देन राजू हिरानी, एंड फिर राज भी। एक्चुअली इट इज ओनली राजू हिरानी,
because according to me he is the best director in the country. Yeah. Okay, Cherry, जैसे कि बाजू में आपके अब इस समय रोहित शेट्टी हैं, तो उनकी कोई एक quality direct direction की जो आपको बहुत पसंद हो? I think जहाँ तक action movie का कोई भी तरह का idea आता है, the first thing that strikes is Rohit Shetty. Okay. So as far as that is concerned, I think, yeah. Rohit, you seem to have cracked the formula of the 100 crore club. क्या advice देना चाहेंगे director साहब को? How to? यार actually मुझे नहीं मालूम यार. Six films, 100 crores. ये seven बोल ना भारी लगते हैं ना. I don't know, yeah, really I don't know. It just happens, yeah. वो हम लोग मेहनत करते काम करते कोई फॉर्मूला है ही नहीं, होता तो सारी वैसी बनती ना, कोई फॉर्मूला नहीं है यार. हो गया हैप्पी. सर वन फाइनल सवाल, काफी स्पेकुलेशन चल रही है राम लखन के ऊपर, कैन वी सी अजय एंड शाहरुख प्लेइंग राम लखन सर? वही तो, तब से मैं वही बोल रहा हूँ. कई सारे यार 10 अक्टूबर को जिगरिया देखो एंड सपोर्ट दिस. मेरे अभी दो बहुत टाइम है यार, अभी बीच में दूसरी फिल्म बना रहा हूँ, वो खत्म होगी फिर वो शुरू होगी तब सोचेंगे ना, अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट, है ना. अरे नहीं यार वो पता नहीं कहाँ से न्यूज़ चल रहा है यार. नहीं 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 यार वो बिल्कुल नहीं यार, वो बहुत अजीबो गरीब न्यूज़ चल रहा है बहुत दिनों से, मैं देख रहा हूँ. आई डोंट नो यार, सिंघम रिटर्न वॉज नॉट अ रीमेक, चेन्नई वॉज नॉट अ रीमेक, डोंट आस्क मी. विनोद बच्चन जी आप ये बताइए, आप इंस्पायर हुए टू इवेंट पे और कहानी भी आपकी है, तो ऐसी कौन सी बात आपको इसमें लगी जिसके लिए आप फिल्म भी बना डाली इस पे? क्या बात लगी. एक्चुअली ये स्टोरी हमारे एक फ्रेंड थे जो हमारे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है थोड़ी सी, तो बाकी तो नहीं बता सकता कि नहीं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और नोटिस बहुत सारे आ सकते हैं. सो बेटर है कि आप फिल्म देखें, और ये फिल्म जिगर से बनाई है और दिल के बहुत करीब है. Hi. Hello, my question is to Cherry. Cherry. Yes. You said you are a CA. So yes. What made you come to acting and become okay. an actor? तो सी ए में आपको पता होगा कि पासिंग परसेंटेज इज़ वेरी लो, एज मच एज 3%. तो जब मैं पढ़ रही थी तो एक आध अटैम्प्ट में आई फेल्ड, ऑल माई फ्रेंड्स पास्ड एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड. तब माई मॉम सेड दैट यू नो जस्ट जॉइन सम क्लासेस, टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज़. तो मैंने ऐसे ही कोई कोर्स कर लिया एक्टिंग का फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था टू गेट इन टू एक्टिंग, बट जब वो मैंने कोर्स किया उसके बाद जो ऑडिशंस दिए एंड द थिंग इट जस्ट आई जस्ट फाउंड वेरी चैलेंजिंग, और उसके बाद एज एंड एवरी थिंग हैपेंड सो इट फेल इन प्लेस, दैट्स हाउ. रोहित वन लास्ट क्वेश्चन टू यू. सर सर आखिरी सवाल, यू नो राम लखन इज एन आइकॉनिक फिल्म. अरे यार तेरी फेवरेट है लगता है. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द मूवी लाइक हाउ सुभाष गाय हैड डन? व्हाट जब आएगा टाइम तब सोचेंगे ना यार. तो अरे कैसे बताओ जो मुझे खुद को नहीं मालूम है, अभी तो बहुत टाइम है यार, बीच में जो फिल्म बना रहा है वो तो बनने दो, उसके बाद सोचेंगे. सर तो उसके बारे में बताइए. वो अभी लिख रहा हूँ यार, और वो हम नहीं है जो चल रहा है न्यूज में, बस इतना बता सकता हूँ. राम लगन का राइट्स ले लिया, हमका क्यों नहीं लूंगा अगर बनाना होगा तो, और क्यों नहीं बोलूंगा, इट्स दैट सिंपल यार. ठीक है, ऑल द मीडिया पीपल आई विल से कि प्लीज सपोर्ट देम एज मच एज यू ऑल कैन, बिकॉज दे नीड यू ऑल एट प्रेजेंट, यू नो. सो प्लीज सपोर्ट देम जहां भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं. आप लोगों ने प्रोमो देखा है, इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म, सो प्लीज सपोर्ट देम एज मच एज यू ऑल कैन, बिकॉज दे नीड यू ऑल. सो दैट्स ऑल आई कैन से दैट दे नीड योर हेल्प, सो प्लीज हेल्प देम rather than anything else. Thank you very much. Thanks.